आम के मसाइल को आला हुकाम तक पहुंचाने के लिए सहारा कश्मीर, सहारा कश्मीर हर न्यूज के साथ। ग्रेस्ड विद प्रेजेंस ऑफ आवर एस्टीम्ड डिप्टी कमिश्नर साहब एंड अदर एंड विद मी इज माय को-होस्ट रुमाइसा। डाटा क्लिप करना शुरू कर दिया तो उनको पता चला कि क्योंकि बच्चे की आवाज कोई नहीं सुनता है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण वर्कशॉप होने जा रही है ना, और ये वर्कशॉप है हमारी चाइल्ड राइट्स के बारे में, और चाइल्ड राइट्स पे हमारे कुछ एक्सपर्ट हमारे साथ में जुड़े हैं। पिछले एक डेढ़ साल में बहुत काम भी हुआ है गांधरबल ज़िले में, जिसमें कि हमारी चाइल्ड केयर कमेटी हुई है, उसके बाद जो हमारे नियम चेंज हुए थे तो वो वाली भी हमारे अप्लाई हुए हैं। यहाँ पर जो चाइल्ड अडॉप्शन के जो नए नियम हैं उसके अंदर भी अडॉप्शन किया गया है, और कुछ कुछ जगह जहाँ पर कंप्लेंट आई थी हमको कि चाइल्ड जो है वो बैगिंग में लगे हुए हैं, उन पर भी एक्शन किया गया है। तो आज की जो वर्कशॉप मैं समझता हूँ ये आप सब लोगों को बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे से समझकर और आपस में डिस्कस करके जाना चाहिए, ताकि हम लोग आने वाले समय में जो चाइल्ड राइट्स की, क्योंकि आज आपको सिखाया जा रहा है, कल से उम्मीद की जाएगी कि आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर सीखने वाला व्यक्ति ही इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है तो फिर हम कैसे उम्मीद करेंगे कि समाज में बाकी लोगों तक ये बात पहुँचेगी। तो मुझे लगता है कि आप सब लोगों का मेरे पास पूरा ध्यान यहाँ पर चाहिए। सब लोग जो मास्टर ट्रेनर यहाँ पे बताएंगे, किसी के अपने सवाल होते हैं, किसी के अपने जवाब होते हैं, सारी चीज़ें पूछनी है। क्योंकि चाइल्ड एक्ट में जैसे एज ए चाइल्ड लेबर, क्या परिवार का कोई बच्चा अगर उसके खुद के ढाबे पर या खुद के रेस्टोरेंट पर अगर काम कर रहा है तो क्या उसको चाइल्ड लेबर में माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो कि हमको समझने की ज़रूरत है। और मैं गांधरबल के स्पेसिफिक क्या चैलेंजेस हैं बच्चों से रिलेटेड, हो सकता है गांधरबल के स्पेसिफिक चैलेंज में सोशल डिप्रेशन एक चैलेंज हो, गांधरबल के स्पेसिफिक चैलेंजेस में कहीं पर ड्रग्स की दूसरी समस्या हो, तो गांधरबल के स्पेसिफिक चैलेंज में हो सकता है कहीं लेबर की समस्या हो। तो गांधरबल स्पेसिफिक चैलेंजेस को हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और गांधरबल स्पेसिफिक हमको उस पर टारगेट स्ट्रेटेजी अपनी बनानी पड़ेगी। अगला टास्क आप लोगों का फिर ये रहेगा, तो पहली चीज क्या करनी है कि जितना पहले बताएं उतना हम लोग को समझना है, ताकि हम लोगों का एक सोचने का होराइजन बढ़ सके। दूसरी चीज क्या करनी है कि जब हमारा सोचने का होराइजन बढ़ गया तो हमको अपने आसपास की, ऐसा नहीं है एक्शन प्लान आज ही बनाना है, जरूरी ये नहीं है, आप हफ्ते भर का टाइम लीजिए, लेकिन हफ्ते भर में एटलीस्ट सारी चीजों को देखकर फिर हम एक अच्छा एक्शन प्लान बना लें, ताकि हम लोग एक राइट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दें। और उसके बाद तो मुझे पता ही, आप लोग जैसे जितने कर्मठ हैं, जितने डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, तो आप लोग इसको भी ये समस्या ही बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। तो उतनी मेरे को पूरी उम्मीद है इस बात पे, और इन्हीं सब